हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव कमजोर पड़ने लगी है और धीरे धीरे अब देश अनलॉक की ओर बढ़ने लगा है। देश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कोरोना के हालात काफी हद तक अब कंट्रोल में आ रहे हैं और दिल्ली में केसेस की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है, इसलिए आज से अनलॉक पार्ट टू लग रहा है। महाराष्ट्र में 5 लेवल अनलॉक प्लान को आज से इंप्लीमेंट किया जाएगा। यूपी में केसेस करीब 1000 के पास पहुंच गए हैं, इसलिए अब सिर्फ 4 जिले में ही लॉकडाउन लागू रहने वाला है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि लिहाजा आप घर से जब भी बाहर निकले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, बस केसेस ही कम हुए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली आज किस तरह से अनलॉक होने जा रही है उसके डिटेल को आपको समझाते हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक फेज टू शुरू हो रहा है और फेज टू में ऑड इवन के आधार पर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुलेंगी और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आज से मेट्रो भी दौड़ने लगेगी, लेकिन शर्तों के साथ चलेगी। 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली के अनलॉक 2.0 का प्लान डिटेल आपको समझाते हैं। दिल्ली में अनलॉक फेज टू शुरू होने वाला है। फेज टू में ऑड इवन के आधार पर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुलेंगी और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली के बाजार अनलॉक होने से पहले सैनिटाइज किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी के व्यस्त नेहरू प्लेस बाजार की। ये मार्केट पूरे देश भर में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के लिए मशहूर है। आम दिनों में हर रोज हजारों की भीड़ यहाँ खरीदारी के लिए पहुंचती है। प्रशासन की टीम ने दिन भर यहाँ और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया। दिल्ली पुलिस भी बाजारों में जा जाकर दुकानदारों को अनलॉक के नियम समझा रही है। ये तस्वीरें द्वारका इलाके की है, जहाँ पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए बता रही है कि दुकानें खोलने पर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे व्यस्त चांदनी चौक बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले की मार्किंग की गई। दुकानों पर अधिकारी नंबर लिखते हुए नजर आए, कौन सी दुकान कब खुलेगी। दिल्ली में ऑड इवन के हिसाब से मार्केट खुलेंगी, जिसको लेकर अब मार्केट्स में तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की भगीरथ पैलेस मार्केट में। इस मार्केट में 1 और 2 इन नंबरों के हिसाब से जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी और आप देखेंगे हर मार्केट में जो दुकान है उसके शटर के ऊपर कुछ इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं, यानी कि ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन नंबर वाले दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। दुकान ऑड इवन के आधार पर मेट्रो शर्त के साथ चलेगी। 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली के अनलॉक 2 प्लान को डिटेल में समझिए। बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी आधी दुकानें एक दिन आधी दूसरे दिन। पास पड़ोस की दुकानें रोज खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड इवन के आधार पर शराब की दुकानें भी खुलेंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अफसर आएंगे, ग्रुप ए से नीचे के 50% कर्मचारी आएंगे। जरूरी सेवाओं के 100% स्टाफ दफ्तरों में आएंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। 50% पैसेंजर के साथ मेट्रो सर्विस भी शुरू होगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। दिल्ली के बाजार और दफ्तर खुल जाएंगे, लेकिन मंदिरों के कपाट जो पहले से खुले हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग को और सख्त किया जा रहा है। दिल्ली में अनलॉकिंग के फेज टू में क्या खुला और क्या बंद रहेगा वो भी देखिए। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन शॉप्स यानी पास पड़ोस की दुकानें, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस, मेट्रो, ई कॉमर्स सर्विस, किताब स्टेशनरी की दुकानें और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दुकानों के खुलने में शर्त लागू है। वहीं जिम, स्पा,
सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल, एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे। दिल्ली में पिछले सोमवार से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और पिछले हफ्ते से कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों को खोलने का आदेश दिया गया था। अगर अनलॉक का यह फॉर्मूला कामयाब रहा तो जल्द ही पूरी दिल्ली पहले की तरह खुल जाएगी। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से घट रहे हैं, इसलिए दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन अनलॉक में भी हमें पूरी सावधानी रखनी होगी क्योंकि दूसरी लहर का कहर दिल्ली देख चुकी है। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।